गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी मैं नहा के आ गई हूँ, पर मैंने फेस पे अभी तक कुछ भी नहीं लगाया है। इसका एक रीज़न है, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर। मैं अभी तक फेस पे क्यों कुछ भी नहीं लगाया है, मैं नहा के आई हूँ। और अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है और आइस क्यूब बहुत फ़ायदेमंद होता है फेस के लिए। मतलब मैं इसके फ़ायदे आपको बाद में बताऊँगी, बस आप ये सोच लो कि अगर आपके पास आइस क्यूब अवेलेबल है तो आप डेली ज़रूर लगाओ। और मैं एक और चीज़ शेयर करती हूँ, दीदी के यहाँ फ्रिज में ना आइस क्यूब के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं वैसे तो हो सकता है बहुत लोगों ने देखा होगा, मैंने नहीं देखा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बहुत इजी टेक्निक है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है, इसको आपको जस्ट ऐसे करना है, ये देखिए सारा इसमें कलेक्ट हो जाता है। इसको ऐसे हम निकाल के और आइस क्यूब लेके हम लगा सकते हैं। तो अभी मैं फेस पे लगाने जा रही हूँ, पर मेरे को ये सिस्टम बड़ा अच्छा लगा। बस आपको ऐसे करना है, सारा आइस क्यूब इसमें कलेक्ट हो जाएगा और आप यहाँ से इजीली कुछ भी किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आइस क्यूब लगा लेती हूँ। तो अभी फेस पे आइसिंग करने के बाद मैं सनस्क्रीन वगैरह लगा चुकी हूँ और अब मैं नाश्ता करूँगी। उससे पहले मुझे मूज ऐप के लिए एक प्रमोशनल वीडियो शूट करनी है, जिसके लिए मुझे लिरिल साबुन चाहिए था। पर पूरा इधर हमने आसपास की दुकानें ढूंढ ली, कहीं भी लिरिल सोप नहीं मिला मुझे। तो उसके बदले दीदी ये लेके आई हैं गोदरेज नंबर वन, क्योंकि इसका कलर उस सोप से सिमिलर, मतलब मिलता जुलता है। तो मैं इसको ऐसे उल्टा करके दिखा सकती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ पहले वो वीडियो बना लेने, फिर हम नाश्ता करेंगे। कितना जुगाड़ लगाना पड़ता है हमें। तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने और आज बना है इडली एंड सांभर। मेरे को ना ये वाली इडली ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारे वेजीज पड़े हुए हैं दीदी ने बनाते टाइम, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा सांभर ले लिया कि उसके साथ भी थोड़ा खा लूँगी। वैसे मुझे ऐसे ही पसंद है। तो अब जा रहे हैं हम नाश्ता कर लेने। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है 30 अप्रैल, आज मेरे दीदी जीजू की एनिवर्सरी है। मैं नहा वहा चुकी हूँ, अभी मैंने लोअर टी शर्ट ही डाला है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ड्रेस मेरे को चेंज करना है। तो मैंने सोचा कि अभी लोअर टी शर्ट डाल के मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। पूजा वूजा हो गया है, आज चिकन बना है सुबह में, तो मैं तो चिकन खाती नहीं, तो इसलिए मेरे लिए बना है पनीर की सब्ज़ी एंड रोटी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बना है, ये है पनीर की सब्ज़ी। देखने में तो इतने, कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाई एक, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं डालूंगी, पर फिर मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और अब से कोशिश करूंगी कि रेगुलर व्लॉग आए। यहाँ पे अगर नहीं भी हो पाएगा तो गांव पे जाके तो प्रॉपर मेरे को रेगुलर व्लॉग लाने, चाहे मैं ट्यूटोरियल लेके आऊँ या व्लॉगिंग कुछ भी करूँ, पर रेगुलर व्लॉग आएंगे। सो चलिए अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, बहुत ज़ोर की भूख लग गई है। बैठ गए हम लस्सी की दुकान लगा के। नाउ वी आर गोइंग टू गेट रेडी फॉर एनिवर्सरी पार्टी। उससे पहले मैंने सोचा रेडी होने से पहले मैं लस्सी पीऊँगी। पता है ये वाला लस्सी ना इतना यम्मी है, इतना टेस्टी है कि मैं क्या बताऊँ। एक दिन पुणे लेके आया था, हमने टेस्ट किया, इतना यम्मी लगा सबको बहुत पसंद आया, तो सब ने बोला कि आज एक एक लस्सी पियेंगे। सब लोग अपना लस्सी ग्लास में डाल के पियेंगे। ये छाछ वाली लस्सी है बाय द वे, मैं इसको ऐसे ही पीऊँगी, मतलब पैकेट से ही। ये अलग ही स्वैग है मेरा। तो अभी आज शाम को पार्टी होने वाली है, एनिवर्सरी पार्टी, और बर्थडे पार्टी भी होने वाली थी, पर हमने बर्थडे पार्टी और एनिवर्सरी पार्टी दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं। उसके लिए फिर मैं ड्रेस लेके आई थी, जो अपना बर्थडे वाला दीदी का एनिवर्सरी का अलग था, तो उस ड्रेस को फिर कहीं और पहना जाएगा, ब्लैक कलर का था। मे भी हो सकता है कि जिया दीदी के यहाँ क्रियांश के बर्थडे में मैं वही ड्रेस पहन लूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये दोनों पार्टी मर्ज हो गई है, आज के लिए इतना अपडेट है। अभी पहले लस्सी पी लेते हैं छाछ। माइली क्या हो रहा है, छोरी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है। ये होममेड केक है, ये जो प्यारा प्यारा सा केक दिख रहा है वो इस प्यारी प्यारी सी बच्ची ने बनाया है। ये केक जीजू लेके आए, ये होममेड केक है। और ये रोशनी केक बनाने का कोर्स कर रही है ना, रोशनी बेकरी का, हाँ बेकरी का, बहुत अच्छा अच्छा केक बनाती है, हमने पहले भी खाया है रोशनी का केक। इसी में कोई सॉन्ग गा दे, हैप्पी बर्थडे टू यू।
सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि दिन में अभी तो हम लोग ऐसे ही थे, अस्त व्यस्त, ऐसे ही सब कुछ था, अभी प्रोग्राम नहीं था सेलिब्रेट करने का, जल्दी जल्दी हम लोग तैयारी कर रहे थे। पर रोशनी केक लेके आ गई, बहुत प्यार से वो बना के लेके आई थी, तो हमने सोचा कि केक कट कर लेते हैं, छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। रोशनी दीदी की नेबर है, आंटी और रोशनी ज्योति दीदी सब लोग हैं, उनके नेबर हैं, पर वो बिल्कुल फैमिली की तरह हैं यहाँ पर, वो लोग दीदी को बिल्कुल फैमिली की तरह रखते हैं। तो आज हम लोग अभी सोच ही रहे थे कि बाहर अभी फन सिटी जाने का प्रोग्राम था हमारा, बारिश बहुत भयंकर हो रही, मैं आपको दिखाती हूँ विंडो से। उफ, मेरे को चोट लगी, इधर तो दिख ही नहीं रहा आपको, शायद रोड दिख रहा है गीला गीला, बारिश हो रही है। फाइनली प्रोग्राम भी बनाया, तो भगवान जी हमारा प्रोग्राम फेल करने जा रहे हैं, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी मेरे पास एक पैकेट है जिसका मुझे अनबॉक्सिंग करना है, मुझे रील बनानी, मैं दिखाती हूँ, इसमें बहुत अच्छी चीज़ आई है, मैं आपको दिखाऊंगी, आप भी अगर चाहें तो ये लीजिएगा। तो अभी पहले चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये कैची नहीं, कैचा है। तो ये जो अभी मैं अनरैप कर रही हूँ, ये एक मोबाइल कवर है, कस्टमाइज मोबाइल कवर, जिस पे मेरी फ़ोटो लगी हुई है, आप जिसका चाहें फ़ोटो लगवा सकते हैं। ये मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर से रिसीव हुई है, मेरे रील्स में आपको पता चल जाएगा, तो उसी के लिए मैं रील बनवा रही हूँ। तो अभी बहन जी रेडी होने जा रही है, मेकअप इनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ हेयर स्टाइल बनाना है, तो मैं जा रही हूँ इनका भी हेयर स्टाइल बनाने। आप लोगों को भी साथ के साथ दिखा देती हूँ कि ये वाला हेयर स्टाइल मैं कैसे बना रही हूँ, ताकि आप लोग भी चाहें तो बना सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। से हेलो, इनकी ये साड़ी इसी में का ना, बंटी दीदी मतलब मेरी बड़ी वाली और दीदी और ये लोग दोनों लोग सेम साड़ी आज पहन रहे, और ये साड़ी मेरे को इतनी पसंद आ रही है ना, कि मैं किसी एक जन का तो लेने ही वाली हूँ। सच में बहुत खूबसूरत साड़ी है, बहुत खूबसूरत साड़ी है, इधर में सिल्क में है। अगर आप लोग को भी मतलब चाहिए होगी तो ये दीदी आईडी मेंशन करेंगी इनके इंस्टाग्राम पे, दोनों लोग के इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी लिंक, आपको आप जाके ले सकते हैं। मेरे को ये साड़ी बहुत अच्छी लगी है, बहुत। एक बार खड़े होकर दिखा दीजिए, इसका पास से मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना पूरा ये तार का वर्क है, फुल वर्क है, पूरी साड़ी पे वर्क हो रखा है, इसका फैब्रिक इतना अच्छा है ना कि मैं क्या बताऊं। जयपुरी साड़ी बोलते हैं इसको, जयपुरी। अच्छा, जयपुरी वाली है। हाँ, तो मैं तो लेने वाली हूँ, देखते हूँ जिन दोनों लोगों में से जिसका मुझे पसंद आ गया तो मैं ले लूँगी। तो आ गई है मोस्ट डिमांडिंग हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल। ये वाला ऐसा हेयर स्टाइल है ना जो हम अक्सर करते हैं, क्योंकि मेरा और दीदी का भी ये फेवरेट हेयर स्टाइल है, और जब भी हम बनाते हैं हमें ढेर सारे DM या फिर वीडियो में भी कमेंट्स आते रहते हैं कि प्लीज़ इस हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल दीजिए। तो मैंने सोचा कि आज मैं मुझे बनाना ही है ये वाला हेयर स्टाइल, तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोग को भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ये पुणे ने वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो हो सकता है कि इधर उधर थोड़ा कैमरा एंगल सही नहीं है, फिर भी आप लोग समझ जाइएगा। अगर नहीं समझ में आए तो भी आप कमेंट में बताइएगा, मैं पर्सनली इसका ट्यूटोरियल बनाऊंगी। तो अभी ऐसे आप लोग सेम टू सेम ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपको जब ट्राई करना तो आप किसी और पे ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि खुद पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मैं तो अपना खुद से कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आदत हो गई है। आप लोग अभी फर्स्ट टाइम जब ट्राई कीजिएगा तो किसी और पे कीजिएगा, ताकि आप लोग को पहले समझ में आ जाए कि कैसे करना है। तो ऐसे हमें छोटे छोटे बालों का मतलब छोटा छोटा सेक्शन ले लेना है बालों का, और उसको ऐसे ट्विस्ट कर करके हेयर क्लिप लगाते जाना है, जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ सेम आपको वैसे ही फॉलो करना है। मुझे समझ नहीं आया, मैं अगर होती तो कैमरा थोड़ा पीछे से लेती ताकि आपको समझ में आए, लेकिन वो बच्चा था उसको समझ नहीं आया। बट कोई बात नहीं, मैं अभी इधर आगे के साइड का सेक्शन करूँगी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। और नहीं भी आए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं पर्सनली अपने बालों पे अच्छे से खुद से फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी। वैसे भी ये सारे हेयर स्टाइल काम चलाऊ ही है, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ में सब कुछ ठीक से नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। मैं गांव जाके ही प्रॉपर अपना सेटअप लगा के सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, तो आपको डिटेल में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर हेयर स्टाइल वगैरह बना रही हूँ तो मैं शूट कर लूँ, आपको दिखाऊँ। हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको मतलब आता होगा पहले से, तो थोड़ा बहुत भी उनको आइडिया मिल जाएगा तो वो कर लेंगे, तो बस इस पर्पज़ से है ये। बाकी डिटेल वीडियो तो मैं बाद में हर एक हेयर स्टाइल, हर एक मेकअप का, आई मेकअप का ट्यूटोरियल डिटेल में लेके आऊँगी ही घर पे जाके प्रॉपर अपना सेटअप लगा के। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना, जो भी थोड़ा इधर उधर होता है, मतलब अगर किसी को समझ नहीं आता या फिर आपको लगता है कि प्रॉपर ये हेयर स्टाइल नहीं है, कैमरा एंगल सही नहीं है, तो इस वजह से
आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ये बस ऐसे ही है, मैंने देखा नहीं कि कैसे शूट हो रहा है, इस वजह से ऐसे बस आपको ऐसे सेक्शन में ये वाला ना, मैंने जो पिछला दो हेयर स्टाइल आपको बताया तो ये टेक्निक सेम ही है, बस वो फ्रंट में था, आपको एक लाइन करना था और इसमें ऐसे कई सारे बालों के सेक्शन, बालों में सेक्शन डिवाइड करके उसके बाद आपको ट्विस्ट एंड टर्न ऐसे करना है, बाकी टेक्निक वही है, करने का सेम तरीका है, ऐसे ही आपको करना है। और ये वाला हेयर स्टाइल ना मतलब इतना अच्छा लगता है ना, ये किसी भी लुक पे बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो साड़ी वगैरह लहंगा वहंगा पे ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मेरा तो ये मोस्ट फेवरेट हेयर स्टाइल है क्योंकि ये एक अलग ही लुक देता है, बहुत अच्छा लगता है ये वाला हेयर स्टाइल। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पता है आप लोग ट्राई करेंगे क्योंकि जब भी हम लोग ये वाला हेयर स्टाइल बनाते हैं आप लोग बहुत पसंद करते हैं, और मेरे को बहुत सारे DM आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि प्लीज़ इसका हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल दीजिए। तो मैंने सोचा कि अभी मैं ये वाला बना रही हूँ हेयर स्टाइल, तो एक क्विक ट्यूटोरियल दे दूँ, बाकी घर पे जाके प्रॉपर ट्यूटोरियल आपको मिलेगा। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा मेरा वीडियो। तो सेम प्रोसेस दोनों साइड में कर लिया मैंने, पीछे दीदी जूड़ा बनाएगी और मैं खैनी नहीं खाती, कैंडी है ये, आप लोग मत समझ लीजिएगा खैनी तो वहाँ रखा है। तंबाकू नहीं है ये, कैंडी है, जो इन लोगों ने पान वाली कोई कैंडी लेके आए थे तो इन्होंने मुझे दे दी। बाकी की चीजें फुल रेडी होने के बाद बाकी फुल लुक दिखेगा, अभी मैं जा रही हूँ सेम हेयर स्टाइल अपनी दूसरी दीदी पे भी कर देने। तो आगे व्लॉग में आपको ये वाला आई मेकअप कैसे मैंने क्रिएट किया वो दिखने वाला है और फुल लुक दिखने वाला है, लेकिन ये वाला व्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इस वजह से मैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी, और ये तैयारी हो रही है रात के एनिवर्सरी पार्टी के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अगला व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा।